2020 सभापति महोदय पूरे विश्व के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल रहा है, जिसमें हमने कई उतार चढ़ाव, कई निराशा और बुलंद हौसला, दुख खुशी की भावनाओं का अनुभव किया। लेकिन आज ठीक एक साल बाद तेजी से गिरते हुए कोरोना की संक्रमितों के आंकड़ों को देखकर देश में एक नई उमंग और एक नई जोश भर के आ चुकी है। जनवरी 22 से 28 तक 146 ऐसे जिले हैं जहां एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं हुआ, और हमारा भारत एक अमर पक्षी के रूप में कोरोना के राख से उठकर अब बस रहा है। कुछ दिन पहले सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद में भारत की इस अद्भुत सफलता पर, हमने जो चुनौतियों का सामना किया और उन चुनौतियों के लिए निपटने के लिए सरकार की कार्यनीति पर, और उसी के साथ पूर्ण जीवित भारत की एक नई छवि पर उन्होंने प्रकाश डाला। हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्र को एक नया मार्गदर्शन उनसे मिला, और उसी के साथ आगे बढ़ने का रास्ता और मार्ग प्रशस्त हुआ, और मूल्यों सिद्धांतों के बुनियाद पर एक एकजुट होकर एक नया इतिहास और नई बुलंदियों छूने का एक प्रेरणा भी राष्ट्रपति महोदय से हम सबको मिला है। मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। कोरोना सभापति महोदय एक अदृश्य शत्रु था, जिसका मुकाबला करने के लिए भारत के पास केवल दो शक्तियां थीं। हमारी पहली शक्ति भारत के प्रधान सेवक और रक्षक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसके आधार पर सभी प्रयासों को एक ही मुट्ठी में बांधना, 36 राज्यों को एक ही माला में पिरोकर भारत का मार्ग प्रशस्त करना, इस कोरोना की महामारी के लिए एक युद्ध स्तर की रणनीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना, और केवल भारत के लिए नहीं, केवल भारत के लिए नहीं लेकिन 150 देशों के लिए, जो एक तरीके से एक विश्व साझा अभियान का नेतृत्व करना, यह कोई चमत्कार से कम नहीं। सभापति महोदय, शुरुआत में सभापति महोदय, कई विशेषज्ञों ने, और ये वास्तविकता भी थी, कई भयंकर अनुमान लगाए थे, 80 करोड़ लोग संक्रमित होंगे, 20 लाख जाने जाएंगे। लेकिन अगर मैं क्रिकेट का एक उदाहरण दे पाऊं, क्योंकि एक क्रिकेट का प्रेमी भी मैं हूं, तो कोरोना के बाउंसर पर एक हुक शॉट लगाकर बाउंड्री को भी पार करा दिया है भारत। एवरेज ग्लोबल रिकवरी रेट विश्व में 70% है, लेकिन भारत की रिकवरी रेट 97% है, जो विश्व से सबसे बड़ा आंकड़ा है। सभापति महोदय, और इसी के साथ वो दूसरा वेव भारत को छू भी नहीं सक पाया, और उसके पीछे कारण यह था कि नेतृत्व ने सही समय पर सही निर्णय लिया। विदेशी नागरिकों के वीजाओं को हमने निलंबित की, स्फूर्ति से हमने लॉकडाउन लागू किया ताकि 37 लाख जाने बच पाए, और उसी के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहां है, और इसलिए महासंकट की वित्तीय बोझ की चिंता न करते हुए
चाहे नौजवान हो, किसान हो, युवा हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, उन सब के लिए आर्थिक मार से बचाने के लिए सीधा उनके अकाउंट के अंदर राशि पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक यह लॉकडाउन था सभापति महोदय, जहां एक व्यक्ति के आह्वान पर, एक व्यक्ति के अनुरोध पर पूरी देश की जनता ने स्व इच्छा के आधार पर उस आह्वान और उस अनुरोध का पालन किया। और एक वो लॉकडाउन था सभापति महोदय 1975 में, जो इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसके आधार पर देश की जनता पर थोपा गया था और पूरे देश को जेल खाना बनाया गया। और ये बात सभापति महोदय, जितना मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, उतना मैं वहां खड़े होकर भी कहता था। सत्य सत्य होता है और उसके पीछे ना आपको छुपना चाहिए और ना देश की जनता कभी भी छुपेगी। विषय यह है सभापति महोदय कि कोरोना के समय में भारत पीपीई किट कभी नहीं बना पाती थी और 60 दिन के अंदर हमने केवल पीपीई किट का उत्पादन नहीं किया, लेकिन उसके अलावा आज विश्व का द्वितीय उत्पादक देश भारत बन गया है पीपीई किट का। आज भारत में वेंटिलेटर्स का उत्पादन हो रहा है, वैक्सीन बनाने के लिए विश्व में 10 साल लगते थे, लेकिन आज भारत के हमारे वैज्ञानिक, हमारे विशेषज्ञों ने एक साल के अंदर देसी वैक्सीन बनाकर भारत का नाम पूरे विश्व में उजागर किया है। और केवल ये नहीं, लेकिन वैक्सीन के बाद विश्व स्तरीय सबसे तेज टीकाकरण का अभियान 30 करोड़ लोगों तक फेज वन में इसकी शुरुआत हुई। यह कारगर और किफायती वैक्सीन सभापति महोदय केवल भारत के लिए नहीं है, यह वैक्सीन एक वैक्सीन फॉर ह्यूमैनिटी बन चुकी है। और संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने स्वयं कहा है कि भारत का टीका उत्पादन की क्षमता पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा वरदान बन चुका है। एंड आई'd लाइक टू कोट हिम, ही हैज सेड द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज द बेस्ट एसेट दैट द वर्ल्ड हैज टुडे, अनकोट। और इसी प्रकार से वासुदेव कुटुंबक, जो हमारे मूल्य हैं, हमारे सिद्धांत हैं, उन मूल्य और सिद्धांतों का भारत ने पूर्ण रूप से अनुसरण किया है। और इस सफलता के पीछे सभापति महोदय, दूसरा हथियार है भारत का सामूहिक शक्ति, सामूहिक सामर्थ्य, हमारा अतुल्य वैज्ञानिक गढ़, हमारे वैक्सीन के ट्रायल के वॉलंटियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे एनजीओ, हमारे पुलिस फोर्स के कर्मी, हमारे जवान, जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब की जान की रक्षा की। अगर वो न होते तो आज हम न होते। और आज इस सदन में सभापति महोदय, कुछ पंक्तियां उनके लिए मैं अर्पित करना चाहता हूं कि ना थके हैं पैर कभी, ना थके हैं पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बाज है जनसेवा का मन में, सफर निरंतर जारी है। जहां एक तरफ ये कोरोना का संक्रमण सभापति महोदय पूरे विश्व का आकर्षण बन गया, सारी शक्तियां इन पर लगी, दूसरे तरफ अर्थव्यवस्था हो, व्यापार हो, आजीविका हो, पूरे तरीके से नष्ट होने के कागार पर आ चुकी थी। और भारत भी टेक्निकल रिसेशन के खाई में जा रहा था,
पर मैं दाद देता हूं हमारी सरकार को कि 6 महीने के अंदर वापस भारत को रिकवरी की पटरी पर नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार लेकर आई है। आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं कि जनवरी के माह में जीएसटी का कलेक्शन 1,20,000 करोड़ रुपए, जो राजस्व संग्रह का एक नया इतिहास बना है सभापति महोदय। दूसरी तिमाही में जीडीपी नेगेटिव 0.5% तक सीमित हो गई, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है, जो आज हमारे सांसद महोदय स्वपन जी ने भी कहा, कि इस वर्ष 11.5% ग्रोथ रेट जीडीपी की रहेगी। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने भी कहा है कि एक वर्ष के अंदर भारत सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व पटल पे उभरने की क्षमता रखती है। हमारी एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का एक टारगेट है, उस पर हम अडिग हैं, और उसी के साथ 5 मिनी बजट हमने कोरोना के समय में निकाला था और कई क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया था, मदद दिया था, और पोस्ट कोविड ऑर्डर में भी उन क्षेत्रों को उभारने का संकल्प हमारा है। इससे यह प्रचलित होता है सभापति महोदय कि कोई भी आपत्ति या विपत्ति आई, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे किसी तरीके की भी विपत्ति हो, हमारी 130 करोड़ जनता, हमारे भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कभी भी प्रभावित नहीं हो सकती। लेकिन इसी के साथ थोड़ा दुख भी होता है सभापति महोदय कि जहां एक तरफ देश की जनता, हमारे जनसेवक, हमारी सरकार इस कोरोना की महामारी का सामना कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के कई नेता केवल सवाल उठाने में और टीका टिप्पणी करने में रुचि रख रहे थे। सही बात है, क्षमता रखना होगा, जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, सुनाने में भी और सुनने में भी। प्रश्न यह है सभापति महोदय कि पहले लॉकडाउन पर प्रश्न उठे, लॉकडाउन क्यों, कितने दिन, किससे पूछ के किया आपने, उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस पर प्रश्न, अनलॉक क्यों, कब होगा, कैसे होगा, किससे पूछ के किया आपने। प्रश्न यह है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के इस सदन के उपनेता श्री आनंद शर्मा जी ने स्वयं, जो गृह मंत्रालय के संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं अपने रिपोर्ट में सरकार की सराहना की है, सरकार की प्रशंसा की है, और मैं दाद देता हूं उनको कि कोई तो है जो सही बोल रहा है। और मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि द कमिटी अप्रिशिएट्स द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। द लॉकडाउन गेव द कंट्री टाइम टू रैंप अप इट्स पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ वर्कर्स, अनकोट। और इसके बाद भी हमारे कई प्रतिपक्ष के नेताओं ने वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग पर प्रश्न उठाए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए फेज 3 ट्रायल समाप्त होने के पहले अनुमति प्रदान कर सकते हैं, तो क्या हमारी सरकार देश की जनता की जान बचाने के लिए आपातकालीन परमिशन देश में क्यों नहीं दे सकती है? प्रश्न यह है कि एक नेता भी ने इतना भी कहा, और मैं कोट करना चाहता हूं, कि भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन हम नहीं लेंगे।
वैक्सीन का भी एक राजनीतिक रंग होता है, स्वास्थ्य का भी एक राजनीतिक रंग होता है, मुझे तो आश्चर्य होता है। और इसके बाद कई विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ठीक है, आपातकालीन उपयोग की अनुमति आपने प्रदान कर दी, लेकिन उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक ढांचा हमारे देश में हमारे पास नहीं। तो मैं बड़े विनम्र पूर्वक यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब यूपीए सरकार थी, जो स्वास्थ्य का बजट था 5 सालों का, सभापति महोदय 1 साल का नहीं, 5 सालों का 1,44,000 करोड़, उन 5 सालों में यह बजट को भी पूरी तरह से खर्चा नहीं किया, केवल 1,26,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, मतलब 15% कम। और आज ढांचे की बात की जा रही, 2013 में तो 18% अंडर यूटिलाइजेशन रहा, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार में 4 साल में हर साल जो बजट का आवंटन रहा, जो कई गुना ज्यादा, उस बजट के आवंटन से 2 से 9% ज्यादा खर्च हर साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया। स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, तभी भारत 21वीं सदी का नेतृत्व कर पाएगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह कहानी यहां नहीं रुकती। इस साल के बजट में मैं वित्त मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इस साल के बजट में सभापति महोदय, आपको भी आश्चर्य होगा कि 5 साल के यूपीए सरकार का स्वास्थ्य बजट 1,75,000 करोड़ 5 साल, और 1 साल का एनडीए सरकार का स्वास्थ्य बजट इस वर्ष का 2,23,000 करोड़ सभापति महोदय, और पिछले वर्ष से 137% वृद्धि। 22 नए एम्स बनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत, फिट इंडिया, ये केवल मुहिम नहीं है सभापति महोदय, यह आने वाले समय में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार और असरदार बनाने के यंत्र है। सभापति महोदय, एक विषय पूरे भारत में आज चिंता का विषय बना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसान अपने जिले का पेट नहीं भरता, लेकिन आज किसान पूरे विश्व का पेट भरता है। और इसी सोच और विचार के साथ सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ये 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं, ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो। सोच और विचारधारा है कि जो राजनीतिक आजादी हमें मिली थी 70 साल पूर्व, लेकिन 70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। किसान का आय दुगना हो, किसान को स्वतंत्रता मिले कि वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच पाए, एक ही जगह तक वो किसान सीमित क्यों हो, और इसलिए ये कानून लाए गए। और जरूर संवाद होना चाहिए, जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, 11 बार सरकार ने संवाद की है, जब डेडलॉक हुआ है तब सरकार ने यह भी कहा है कि 3 कानून को हम 18 महीनों के लिए स्थगित करेंगे। लेकिन इस बात का मुझे आश्चर्य है
कि जिन लोगों ने ऐसे ही कानून की वकालत की थी आज वो क्या कह रहे हैं। 2019 का अगर हम कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र पढ़े सभापति महोदय, और आपके समस्त में रखना चाहता हूं, इस चुनाव घोषणा पत्र में अंक नंबर 11 में लिखा है, एंड आई कोट, कांग्रेस विल रिपील, आई रिपीट, विल रिपील द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री, आई रिपीट, फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। उस समय के हमारे कृषि मंत्री जी परम आदरणीय शरद पवार जी ने 2010 में और 11 में हरेक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी इसी संदर्भ में, और मैं कोट करना चाहता हूं जो शरद पवार जी ने हरेक मुख्यमंत्री को चिट्ठी में लिखा था। एज यू आर अवेयर, the agriculture sector needs well functioning markets to drive growth, employment and economic prosperity in rural areas of the country. This requires huge investments in marketing infrastructure including the cold chain, and for this private sector participation is essential. I repeat, and for this प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज असेंशियल, निजी क्षेत्र का निवेश अनिवार्य है, फॉर विच अ पॉलिसी एनवायरमेंट नीड्स टू बी इन प्लेस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द नीड टू अमेंड द प्रेजेंट स्टेट एपीएमसी एक्ट ऑन द लाइंस ऑफ द मॉडल स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट 2003 टू इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर, आई रिपीट, द प्राइवेट सेक्टर in providing alternative competitive marketing channels in the overall interest of farmers and producers and consumers cannot be overemphasized, unquote. तो आज सहमति है, तो सहमति है, तो सहमति है। अगर आपको इसमें कोई आपत्ति है तो जरूर बताएं, कई चीजों में सहमति होनी चाहिए। प्रश्न यह है अध्यक्ष सभापति महोदय कि यह जुबान बदलने की आदत हमें बंद करनी होगी। चट भी मेरा और पट भी मेरा, यह कब तक चलेगा? देश के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? जो आपने तब कहा था उस पर आप अडग रहेंगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। प्रश्न यह है, द हिपोक्रेसी वुड नॉट हैव बीन देयर इफ यू हैड नॉट डन द हिपोक्रेसी विद द पीपल, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, लेट अस नॉट गेट इनटू पर्सनल। प्रश्न यह है सभापति महोदय कि जिस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लागत से 1.5 गुना बढ़ोतरी की हो, जिस सरकार ने गेहूं के भुगतान में 2013-14 में जो 34,000 करोड़ रुपए किसानों का भुगतान होता था उसे 5 साल के अंदर डबल से ज्यादा करके 75,000 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने दाल के मुद्दे पर 2013-14 में जो 236 करोड़ रुपए का केवल देश के सारे किसानों को भुगतान किया गया था उस 236 करोड़ को बढ़ाकर 40 गुना 10,550 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने हमारे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश के कपास के किसानों के लिए
जो 2013-14 में केवल 90 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ किया था, उसको 300 गुना बढ़ाकर 26,000 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने किसानों के सम्मान के लिए 6,000 रुपया हर साल 1,13,000 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचाया हो, जिस किसानों ने कृषि के अधोसंरचना के लिए नया फंड तैयार किया हो 1,00,000 करोड़ का, जिस सरकार ने फसल के नुकसान के लिए फसल बीमा योजना लागू करके 5 साल के अंदर 90,000 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में किसानों के खाते में पहुंचाया हो, वो सरकार किसानों के विकास और प्रगति के लिए कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है और कटिबद्ध रहेगी। प्रश्न यह है सभापति महोदय कि 26 जनवरी को जो घटना घटी, जो गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए एक गौरव का दिवस होता है, वो घातक दृश्य एक दर्दनायक याद बन चुकी है। 394 पुलिस कर्मियों और पत्रकारों को घायल किया गया। एक किसान ने अपनी जान खोई। राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर पुलिस कर्मियों को पीटा गया और उनको कुएं में फेंका गया। राजधानी के कई हिस्सों को तहस नहस कर दिया गया और उसके बाद भी जब यह सदन मिलता है, राष्ट्रपति अभिभाषण का बॉयकॉट करके सभापति महोदय हमारे विपक्ष ने राष्ट्रपति जी का, देश का और इस लोकतंत्र का तिरस्कार किया है। आज मनोज झा जी ने कहा था हमें सुनना भी होगा और सुनाना भी होगा। सुनाने के लिए तो आप आ गए, लेकिन सुनने के लिए आप नहीं आए थे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए सभापति महोदय। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की बात कर रहा था। एक तरफ सभापति महोदय, जहां पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा था, विकास के एजेंडा को दरकिनार करके पूरा विश्व इस महामारी और प्रलय का सामना कर रहा था, सारे संसाधन झोंक दिए। भारत में एक कर्मव्रत प्रधान सेवक ने, जिनका नारा पार्टी का नारा था सबका साथ और सबका विकास, उस संकट को सुधारने के लिए केवल कार्य नहीं किए लेकिन उस समय में अवसर भी ढूंढ लिए। एक सपना था हमारे पूर्वजों का, आजाद भारत का, स्वराज का, और आज एक सपना है भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का, जो देश को विश्व पटल पर उजागर करने का सपना है। हमारे महाभारत में लिखा गया है, अपि शकम पंचान्ये सुखम वही मज्ञ वनग्रे अरिजतम स्वयं वीरण नव पश्चिते कंचन। और इसका सार है सभापति महोदय कि किसी दूसरे पर बोझ बनने के बजाय अपनी मेहनत से कमाया गया फल कई ज्यादा सुखदाई होता है, और यह तभी मुमकिन होता है जब कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी हमारे भारत में आत्मनिर्भर बन पाए। और आत्मनिर्भर भारत की आत्मा किसान, युवा, आम जनता के साथ जुड़ी हुई है, और इसलिए इस महाप्रलय के समय में गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 2,76,000 करोड़ योजना का क्रियान्वयन हमारी सरकार ने किया। ज्योतिरादित्य जी, अपना पार्टी ने आपको जो समय दिया वो समाप्त हो रहे। 5 मिनट सर। ठीक है, राइट।
Your party has got time. They have agreed 5 more minutes, please. Thank you, sir. Thank you. I will not take more than 5 minutes, sir. 80 करोड़ गरीबों को 8 महीने तक निशुल्क राशन प्रदान किया. वन नेशन वन राशन कार्ड का एक नया इतिहास रचा. उज्ज्वला योजना के तहत 14 करोड़ गैस सिलेंडर्स महिलाओं को पहुंचाई मुफ्त में. और इसके पीछे कारण क्या सभापति महोदय? इसके पीछे कारण यह कि सरकार का लक्ष्य अंत्योदय, सरकार का प्रण अंत्योदय और सरकार का पथ अंत्योदय. शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है सभापति महोदय जिसके आधार पर हम अपने मानव संसाधन को मानव पूंजी में हम परिवर्तित कर सकते हैं. नई शिक्षा प्रणाली हम लेके आए हैं 34 साल बाद और उसमें शिक्षा के नए रूप, नए सोच, नए स्किल से एक नया भारत को उभारने की कोशिश हम लोग करेंगे. 2021 का भारत सभापति महोदय 2013 का भारत नहीं. यहां एसएमईज को एमएनसीज में परिवर्तित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. 20,000 करोड़ का सरल ऋण उन एसएमईज को हमने दिलवाई है. एमएसएमईज की परिभाषा हमने 14 साल बदली है और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में परिवर्तित करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं. ये वर्ष सभापति महोदय केवल संकट का नहीं लेकिन सबसे ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है जिसमें शेष था इंडिया को भारत से जोड़ना, हमारी पुरानी संस्कृति को पुनः जागृत करना और श्री राम जन्मभूमि के भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन सिर्फ देश के लिए नहीं लेकिन विश्व के लिए बड़ी उपलब्धि है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो राष्ट्रीयता की भावना, उनकी ओजस्व नेतृत्व का परिणाम है कि अब राम मंदिर का निर्माण नए भारत के निर्माण का प्रतीक बनेगा. और उनके शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि राष्ट्र को जोड़ने का, स्व को संस्कार से जोड़ने का कार्य संपन्न होगा. सत्य, अहिंसा, आस्था, वासुदेव कुटुंबक, विविधता में एकता, बलिदान, ये वह मनके हैं हमारे देश के जिसको हजारों साल से सभी भारतीयों ने एक माला में पिरोकर एक नया भारत पुराने मूल्य के अभाव पे खड़ा नहीं हो सकता. हमारा राम मंदिर आधुनिक भारत की मजबूत नींव का प्रतीक होगा जिसकी विविधता में एकता भी होगी और समता भी. जहां एक तरफ यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया वहीं दूसरे तरफ हमारे देश का ताज और शान जम्मू कश्मीर में, जहां देशवासियों का हर दिल बसता है, उनको बेड़ियों से मुक्त करके राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कदम लिया गया जब अनुच्छेद 370 को हमने रद्द किया. उस अनुच्छेद से केवल हानि हो रही थी, अलगावाद, आतंकवाद, व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार. और जब यह रद्द किया गया उसके सीधे सीधे बाद आयुष्मान भारत के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के संरक्षण में 1.5 करोड़ जनता को लिया गया. हर एक नागरिक को केंद्र सरकार की बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल पाया. और पहली बार इतिहास में, जिसका संदर्भ गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कल दिया, पहली बार इतिहास में, 70 साल के इतिहास में, जिला विकास परिषद DDC का चुनाव हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आयोजित. सरकारें आई भी और गई भी सभापति महोदय, लेकिन जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, जो सपना बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का स्वप्न जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का सपना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उसे मोदी सरकार ने पूरा करके दिखाया. अंत में मैं कहना चाहता हूं,
सभापति महोदय कि कोरोना के महाप्रलय में जो विकास के पथ को कुचलने आया था, एक बुलंद ढाल की तरह हमारी सरकार ने उसका सामना किया और विपत्ति को भी अवसर में बदलकर रिफॉर्म्स की झड़ी लगाकर ना हम रुकेंगे और ना भारत रुकेगा। माननीय राष्ट्रपति जी की सोच और विचारधारा के आधार पर मार्ग देश का प्रशस्त किया है। दो बार केंद्र में भारी बहुमत, उत्तर प्रदेश से कर्नाटक, असम से अरुणाचल से गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना, बिहार तक जो असीम आशीर्वाद चुनाव में, मध्य प्रदेश भी, असीम आशीर्वाद जनता का मिला है। यह आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी इस सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की है सभापति महोदय, और यह तभी संभव हो पाया है जब एक प्रभावी छवि, असरदार नीति और विजन भारत के लिए का क्रियान्वयन हमारी सरकार ने की है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। भारत एक नया सामर्थ्य के साथ इस कोरोना काल से उभर रहा है। हजारों बर्क गिरे सभापति महोदय, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिले खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी।